हेलो स्टूडेंट स्टूडे आई एम गोइंग टू मेक वीडियो ऑफ लेसन गोलू ग्रोजनोज ऑफ इंग्लिश क्लास सेवन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस लेसन लाइन बाई लाइन इन हिंदी आई होप यू विक दिस वीडियो सो लेट स्टार्ट विद द लेसन गोलू ग्रोजनोज इसका मतलब है जो गोलू जो एक एलिफेंट है इसमें आती है उसकी नाक किस तरह से लंबी हो जाती है लोंग लोंग अ गो द एलिफेंट हैंड नो ट्रंक बहुत समय पहले जो आती हैं उनकी कोई सूड नहीं होती थी एड ओनली ए बल्जी नोज उसकी एक उभरी हुई नाक होती थी एज बिग एज अ बूट जैसे उसका पैर होता है ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट वुड पिक पिकअप थिंग्स विद इट वो इसे इधर से उधर घुमा सकता था इतनी लचीली होती थी लेकिन वो इससे कुछ उठा नहीं सकता था देर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल गोलू एक बार एक हाथी का बच्चा था जिसका नाम गोलू था ही टू हैड नो ट्रंग बट ओनली अ बल्जी नोज उसकी भी कोई सून नहीं थी उसकी भी एक उबहारदार नाक थी एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट जैसे एक छोटा सा पैर होता है जूता होता है गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन गोलू के पास बहुत सारे प्रश्न थे ही हॉस्टिज टॉल आंट उसने अपनी लंबी जो आंटी हैंस्ट्रिज यानी शतुरमुर्ग उससे पूछा वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक कि कभी आप उड़ते क्यों नहीं हो लाइक अदर बर्ड्स और पक्षियों की तरह देन ही आस्ट हज स्टॉल अंकल तब उसने लंबे अंकल से पूछा था जिराफ, जो कि एक जिराफ थे वट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी किस वजह से तुम्हारी जो स्किन है उस पर इतने ज़्यादा निशान होते हैं यहाँ डिज यूज़ अंकल उसने अपने बड़े जो अंकल हैं उनसे पूछा था हिपोपोटमिस दरियाई घोड़ा जो होता है वायर यू वाई आर यूर आई इज़ ऑलवेज सो रेड कि आपकी जो आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं ही आज ज़ेरी अंकल उसने अपने जो बाल हो थे जिनके स्किन पे बहुत ज़्यादा उन अंकल से पूछा बबून यानी like कि लंगूर वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स की जो मेलन होता है खरबूजा वो खरबूजे जैसा क्यों लगता है द ऑस्टेज द जिराद अपोपोटाम इन सभी के पास गोलू के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था गोलू इज़ अ नोटी बेबी गोलू एक शरारती बच्चा था दे सैड उन्होंने कहा ही आज सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कि वो बहुत मुश्किल प्रश्न पूछता है वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश एक दिन गोलू ने मैना जो पक्षी है उसको झाड़ियों के बीच बैठे देखा एंड इंडिया आस्टर उसने उससे पूछा व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर मगरमच्छ के पास रात के खाने के लिए क्या है द मैना सैड मैना ने कहा गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट रिग्रेसिव लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट उसने कहा कि तुम जो नदी है लिम्पोपो नदी उसकी किनारे पे जाओ जो ग्रासी यानी जो बहुत ज़्यादा घास थी उस नदी के आसपास वहाँ जाओ ढूँढो गोलू बैन टॉम गोलू घर गया इटो का हंड्रेड शुगर केन्स उसने सौ गन्ने लिए फिफ्टी डजन बनाना पचास दर्जन केले एंड ट्वेंटी फाइव मैलन्स पच्चीस खरबूजे दैन हीज फैमिली तब उसने अपने परिवार से कहा गुड बाय आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर कि मैं जो बड़ी और बहुत ज़्यादा घासदार जो लिम्पोपो नदी है वहाँ रहा आई विल फाइंड आउट वाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर कि मैं पता लगाऊंगा मगरमच्छ के पास रात के खाने के लिए किया ही है क्रोकोडाइल उसने कभी मगरमच्छ नहीं देखा था एंड डिडेंट नो वॉट वन लुक लाइक उसे नहीं पता था वो कैसा लगता है ही मैं जब पाइथन एंड आज हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल उसने पाइथन जो एक अजगर मिला रास्ते में उससे पूछा तुमने कभी क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ देखा है व्हाट डज ही लुक लाइक वो कैसा दिखता है व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर वो रात के खाने में क्या खाता है द पाइथन अनकोइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री जो अजगर था उसने खुद को जो एक पेड़ की शाखा के ऊपर था उससे अनकोइल्ड किया यानी जैसे वो अपनी जो पूछ है उसको समेट के बैठा रहता है यानी उससे वो निकल कर नीचे आया बट सेट नथिंग कुछ नहीं कहा गोलू पोलैटली हेल्प हिम टू क्वाइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेट गुड बाई टू हिम गोलू ने उसकी बहुत आराम से नम्रतापूर्वक उसकी मदद की कि फिर से वो जो शाखा है उसके ऊपर अपनी जो पूछ है उस जो अजगर है अपनी जो उसको दोबारा से घुमा कर यानी उसे के अंदर सिमट कर बैठ जाए गोलू मूवड ऑन गोलू चलता रहा ईटिंग शुगर केन गन्ने खाते हुए और केले खाते हुए और खरबूजे खाते हुए आफ्टर फ्यू डेज ई रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपुर रिवर कुछ दिनों के बाद वो अपनी जो बड़ी नदी थी लिम्पोपुर रिवर उसके वहाँ पहुँच गया ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इज सॉ लॉग ऑफ वुड उसने नदी के किनारे एक लकड़ी का गट्ठा देखा इट वॉज रियलीट हिम वास्तव में यह मगरमचना मगरमच था जिसने उसकी तो तरफ तो अपनी तो पलक तो झपकाई तो एक्सक्यूज मी उसने कहा दैट गोलू हैव यू एवर सी अकोडाइल कि क्या तुमने कभी मगरमच्छ देखा है द क्रोकोडाइल विंगड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टॉल आउट ऑफ द मर्ड टेल आउट ऑफ द मर्ड क्रोकोडाइल ने उसे जैसे एक तरह से आँख मारी और उसने अपनी जो आधी पूछ है उसको कीचड़ से बाहर उठाते हुए कहा कम है लिटिल वन यहाँ आओ छोटे साइड द क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल ने कहा वाइड यू आर सच क्वेश्चन तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो आई वॉन्ट टू नो कि मैं जानना चाहता हूँ कम क्लोज लिटिल वन और आई एम द क्रोकोडाइल उसने कहा पास हो मैं मकरमच हूँ एंड ही शाइड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज वाइट ट्रू और उसने अपने जो मगरमच के आंसु थे वो बहाए ये दिखाने के लिए वो वास्तविक है गोलू वॉज अ फ्रेड गोलू डर गया बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेट यू आर अ वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फोर उसने उससे कहा कि तुम ऐस वो वे आदमी हो जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था प्लीज टेल मी वट यू हैव फोर डिनर मुझे बताओ तुम्हारे पास रात्रि खाने के लिए क्या है कम एयर यहाँ लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू एट द क्रोकोडाइल मैं तुम्हारे कान में इसका प्रश्न का उत्तर दूंगा गोलू पुट इज हैड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल हिम बाय द नोज गोलू ने अपना जो सिर था वो मगरमच्छ के पास ले गया और उसने जो जो उसकी क्रोकोडाइल के पास ले गया जो उसके आगे का जो मुँह का हिस्सा होता है उसकी तरफ और उसने मगरमच्छ ने उसको नाक से पकड़ लिया आई थिंक सेट द करोकोडाइल क्रोकोडाइल ने कहा टुडे अ बेबी एलिफेंट वीवी मैंटेनर कि आज एक छोटा हाथी का बच्चा मेरा रात का खाना होगा लेट मी गो मुझे जाने दो यार हर्टिंग मी तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू गोलू ने चलाते हुए कहा द पाथन हैड बिन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सैड और जो अजगर था जो बहुत चुपचाप गोलू का पीछा कर रहा था वो नदी के किनारे हैं और कहा इफ़ यू डोंट पोल एज हार्ट एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू टू द स्ट्रीम कि अगर तुमने तेजी से खुद को नहीं बाहर खींचा तो जो मगरमच्छ है वो तुम्हें खींच कर अंदर ले जाएगा गोलू सेट बैंक सेट बैक ऑन इज लिटिल हॉर्न चेज एंड पुल्ड एंड पुल्ड जो गोलू था वो वापस बैठ गया उसने खुद को बहुत तेज़ी से जितना खींच सकता था खींचा द तो क्रोकोडाइल स्लिप इन टू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ इस टेल जो मगरमच्छ है वो वापस से फिसल के नदी में गया और वहाँ से वो अपना जोर लगाकर जो उसकी पूछ थी उससे उसने उस कीचड़ को साफ़ किया एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड और वो भी उसको तेजी से खींचने लगा पूरा जोर लगा कर देन द पाइथन कोल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टमक एंड सेट फिर पाइथन ने जो अजगर था उसने गोलू को उसके पेट से एक तरह से पकड़ लिया उसकी तरफ घेरा बना दिया अपने स्किन का लेट्स पुल हार्डर लाओ तेजी से खींचते हैं गोलू डग इन ऑल इज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड गोलू ने जो अपने पैर थे उनको पूरी तरह मिट्टी में धंसा लिया और तेजी से खींचा द नोज ऑन स्ट्रेचिंग जो उसकी नाक थी वो खींचती चली गई क्योंकि अजगर ने उसको क्योंकि जो मगरमच्छ था उसने नाक से पकड़ रखा था गोलू को एट ईच पोल द नोज ग्री लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड इट थर्ड गोलू जैसे जैसे उसने खींचा मगरमच्छ ने जो उसकी नाक थी वो लंबी होती चली गई और गोलू को उसमें तकलीफ होने लगी द नोज नवाज नाउ फाइव फीट लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट अभी पाँच फीट लंबी हो गई लेकिन ये क्या थी आज़ाद हो गई गोलू सेट डाउन गोलू बैठ गया विद इज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रेसी लिम्पर रिवर टू तो कूल जो उसकी जो नाक थी उसने एक केले के पत्ते में उसको लपेट कर जो नदी है उस पर सूखने के लिए रख दिया गोलू सेट देयर फॉर टू डेज़ वेटिंग फॉर इज नोज तो टू कूल एंड टू तो सरिंग गोलू दो दिन बैठा रहा अपनी नाक का इंतजार करने के लिए कि वो ठंडी हो जाए और सिकुड़ जाए इट यू कूल बट इट डिट एंड ये ठंडी हो गई लेकिन ये वापस नहीं सिकुड़ पाई एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे फ्लाई केम एंड स्ट्रंग गोलू ऑन शोल्डर आखिरी दिन दूसरे दिन जब ख़त्म होने वाला था एक मक्खी आई और उसने गोलू को उसके कंधे पर काटा गोलू लिफ्ट इज लॉन्ग नोज एंड विद इट इट हिट द फ्लाई डेड गोलू ने अपनी लंबी नाक उठाई जो उसकी सूंद थी और उससे उसको मार दिया एडवांटेज नंबर वन यानी पहला फ़ायदा हिस्ट द पायथन पायथन ने फुस्ट फसाते हुए कहा यू कूडेंट अ स्मॉल नोज ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ कि तुम छोटी नाक के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते थे अब तुम खाना खाने की कोशिश करो गोलू पोटॉन इज ट्रंक एंड प्लगड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास गोलू ने अपनी जो सूंड है नाक है उससे एक बड़ा जो घास का ढेर था उसको उखाड़े डस्टेड अगेंस्ट द फोर लेग्स एंड स्टफड इन टू हिज माउथ उसने इसको अपने जो आगे के पैर थे उनसे झाड़ा और उसको अपने मुंह में रख लिया एडवांटेज नंबर टू के दूसरा फायदा इज़ द पाइथन यू के नॉट हैव डन विद है स्मॉल लोज तुम ऐसा अपनी एक छोटी नाक से नहीं कर पाते डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो सूरज है वो बहुत गर्म है गोलू स्कूब अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैब डिट ऑन हेड गोलू ने जो थोड़ी मिट्टी थी उसको जो नदी थी उसके जो नदी का किनारा था उसको खोदा और अपने सिर पर लगा दिया एडवांटेज नंबर थ्री यानी तीसरा फायदा हिज द पाइथन पाइथन ने फुसफुसाते हुए कहा यू कोडेंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज तुम एक छोटी नाक से ऐसा नहीं कर पाते थैंक यू मिस्टर पाइथन की शुक्रिया मिस्टर पाइथन सेट गोलू ग्रेटफुली गोलू ने बहुत आभार व्यक्त करते हुए कहा आई विल रिमेंबर ऑल दिस सेंट ना विल गेट गो बैक टू माई फैमिली कि मैं ये सब याद रखूँगा और मैं वापस अपने परिवार के पास जाऊँगा सो स्टूडेंट्स आई हैव एक्सप्लेन the chapter line by line in hindi i hope you will like this video and this video will help you and subscribe my channel for more videos thank you